life, mom's duty. ये आर्ट और ये आर्टिस्ट. अब संडे को क्या क्या हुआ, ऐसे ही आज मेरा दिन खत्म नहीं होने वाला है. कुलम्बाई, हेलो एवरीवन, इट्स विक्टोरिया बीटी वाई ब्लॉग. आज के ब्लॉग में मैं बेम्बू शूट और राइस फ्लोर और पोर्क की सब्जी बनाने जा रही हूँ. और ये रहे इंग्रेडिएंट्स, मैं यहाँ पे सब रख चुकी हूँ. ये पोर्क, ये बेम्बू शूट, ये ऑनियन कटा हुआ, और ये राइस फ्लोर है, और ये लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट. अभी चलो दोस्तों, मैं अभी कुकिंग करती हूँ. दिन ब्लॉग आं उमा और अनला मेवा संगने नागर सो नाइलफर. सो अभी तेल गरम हो चुका है दोस्तों. अभी यहाँ पे ऑनियन डालेंगे. जब ऑनियन ब्राउन हो जाएगा अब हम पोर्क को डालेंगे. और पोर्क को भी अच्छे से फ्राई करेंगे. और ये ड्राई पोर्क है, इसको ज़्यादा फ्राई करने से ऑयल इसका गल जाएगा, तो थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे. उसके बाद अभी नमक, हल्दी, जितना भी मसाला है अभी डाल देंगे. और इसको फिर से अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को. इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी हम गार्लिक और अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर से इसको फ्राई करेंगे. और फ्राई करने के बाद अभी बेम्बू शूट भी डाल देंगे और उसको फिर से पोर्क के साथ फ्राई करेंगे ये बेम्बू शूट. अच्छे से पोर्क से मिक्स करके अच्छे से फ्राई करेंगे पोर्क के साथ. ये हमारा बोडो ट्रेडिशनल फूड है, राइस फ्लोर और बेम्बू शूट और ड्राई पोर्क. अभी ये बेम्बू शूट और पोर्क अच्छे से फ्राई हो गया है. अभी हम इसको यहाँ पे ऑर्गेनिक खार डालेंगे, ऑर्गेनिक सोडा डालेंगे. और अभी इसको थोड़ा सा और खार से थोड़ा सा और फ्राई करेंगे. अभी इसको खार से फ्राई करने के बाद अभी मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी. अभी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है. अभी इसको थोड़ी देर उबालने के लिए ढक दूँगी. यहाँ पे आंटी एक आया है कपड़ा धोने वाली, वो कपड़ा धो रही है मेरे घर में. अभी पानी, सब्जी का पानी उबल रही है. अभी मैं यहाँ पे राइस फ्लोर डाल दूँगी. अच्छे से बॉईल हो गया है ये. और ये राइस फ्लोर को मैंने पानी से पानी डाल दिया था फुल, एक बहुत सारा हो गया. अभी वो राइस फ्लोर धीरे धीरे करके यहाँ पर डाल दूँगी, थोड़ा सा शेक कर दूँगी, उसके बाद डाल दूँगी. अच्छे से नहीं डालने से मतलब ये क्या हो जाता है, इसलिए अभी डालते हैं अभी उसको. और फाइनली थोड़ा 20 मिनट्स के बाद ये देखो कुछ ऐसा हो गया है, ये बेम्बू शूट और ड्राई पोर्क का करी. तो अभी पक चुका है फाइनली. अभी इसका ये मान धनिया डाल देंगे. ये मान धनिया है, ये अभी इस धनिया को डाल देंगे. फाइनली हमारा ये राइस फ्लोर, बेम्बू शूट और ड्राई फ्रूट की सब्जी कंप्लीट है. हेलो दोस्तों, अभी हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं. और ये देखो टिकिया की सब्जी है ये, और ये है पोर्क और बेम्बू शूट और राइस फ्लोर की सब्जी. और अभी हम खाना खाएंगे. और इधर से ड्रीव और उनकी मासी खा रही है खाना, और अभी मैं भी खाऊंगी. दोस्तों हम खाना खाएंगे. और ये बेम्बू शूट की सब्जी है, बहुत टेस्टी है और बहुत यम्मी भी है. ये बेम्बू शूट है, बहुत यम्मी है, बढ़िया, बहुत टेस्टी है, एकदम बढ़िया बना है. और ये फल यम्मी है, फल बहुत टेस्टी. Thank you.
लो गाइस देखो मेरे हाथों में मेहंदी लगा हुआ है और मेहंदी देखो कुछ इस तरह से लगी है और मेहंदी का आर्टिस्ट ये देखो ये आर्ट और ये आर्टिस्ट। अब संडे को क्या क्या हुआ ऐसे ही आज मेरा दिन खत्म ही होने वाला है। आप लोग को अगर मेहंदी लगाने का मन है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरा सिस्टर लगाती है और पैसे भी लेगा, वो कम में करके देगा। लेकिन मॉम्स लाइफ मॉम्स ड्यूटी। अभी ड्रीव को मैं डांस क्लास लेके जा रही हूँ, अभी हम जाएंगे। ड्रीव के डांस क्लास ख़त्म होने के बाद हम आ गए और यहाँ पे रेल गेट का क्रॉसिंग हो रखा था तो रेल पास कर रहा था। उसके बाद हम पेस्ट्री दुकान में गए और यहाँ पे पेस्ट्री ख़रीदने के लिए आए थे। बहुत अच्छा अच्छा पेस्ट्री मिलता है इस दुकान में, तो हम मेरे लिए खुद के लिए पेस्ट्री ख़रीदने का मन था तो ड्रीव के लिए भी ख़रीद लिया। क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल है तो मैं खुद के लिए स्पेशल करना चाहती थी आज का दिन, तो मैं यहाँ पे मेरे लिए पेस्ट्री लेके घर में अभी सेलिब्रेट कर रही हूँ मदर्स डे ड्रीव के साथ। तो देखते रहिए हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे और एंजॉय करते हैं दोस्तों। So in between the duties you have to give yourself also time. So this is how I spent my day, my 12th May 2024 as a Mother's Day. How this is how we celebrated with my son Drew. I enjoyed a lot. So thank you for watching. Happy Mother's Day to the mothers in all the world.